Hello everyone. So the question here is, what is the ecological principle behind the biological control method of managing with pest insects? यहाँ पे हमसे पूछा गया है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है पेस्ट्स का, वो उसका जो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल है वो क्या है। तो अगर हम बात करें बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स की, तो जो पेस्ट होते हैं जो कि एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स हैं उन्हें हार्म पहुंचाते हैं, उनका नुकसान करते हैं, तो उनको दो तरीके से कंट्रोल किया जाता है। ओके, तो पहला मेथड होता है थ्रू केमिकल्स, केमिकल मेथड। वहीं दूसरा जो मेथड होता है वो है बायोलॉजिकल मेथड। ओके, तो केमिकल मेथड में तो ऑफ कोर्स जो पेस्टिसाइड्स हैं वो यूज होते हैं, बट जो बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ द पेस्ट। ओके, तो जो अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, तो जो प्रिडेशन का प्रिंसिपल है वो उस पे बेस्ड होता है ये। तो जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है उसमें जो मैनेजमेंट है एग्रीकल्चरल पेस्ट का वो बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडेशन। यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे मैंने बताया बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रिडेटर की तरह एक्ट करते हैं, दैट मीन्स जो पेस्ट हैं एग्रीकल्चरल फील्ड्स में जो कि नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनका भी तो प्रेडेटर्स होते होंगे जो उन्हें उन पे फीड करते होंगे, तो उन प्रेडेटर्स को यूज किया जाता है उन्हें कंट्रोल करने के लिए। तो कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रेडेटर्स की तरह एक्ट करते हैं इन पेस्ट इंसेक्ट्स के लिए, और इसी तरीके से इनके मैनेजमेंट के लिए इनके रेगुलेशन को हेल्प मिलती है, और वो जो ये पेस्ट है वो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए प्रे की तरह काम करते हैं, जिससे जिसका जो रिजल्ट क्या होता है कि जो ये पेस्ट हैं इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होती है, राइट, या कम हो जाती है या बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं ये पेस्ट। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें कि जो मॉस्किटोज हैं, जैसे जो वाटर बॉडीज में मॉस्किटो के लार्वा होते हैं उन पे कौन फीड करते हैं, गम्बुसिया फिशेस जो हैं उन्हें वो कंट्रोल करती हैं, उन पे फीड करती हैं, उनके जो ये मॉस्किटो लार्वा है वो इन फिशेस के लिए एज अ प्रे है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, कंट्रोल आ जाएगा मॉस्किटो लार्वा में। वहीं अगर दूसरा एग्जांपल देखें जो कि है कंट्रोल ऑफ एफिड्स बाय लेडी बर्ड बीटल, तो एफिड्स जो हैं उनका कंट्रोल कैसे होता है बाय लेडी बर्ड बीटल, जो कि इनके प्रेडेटर्स हैं, और इन्हें रेगुलेट करने में, इन्हें मैनेज करने में एफिड्स को हेल्प करते हैं। सो दिस वाज द आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।